आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने कमाल का प्रदर्शन किया है। हार्दिक की टीम टेबल में टॉप पर है और इस साल खिताब जीतने की भी सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। हार्दिक पांड्या गुजरात से पहले सालों तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आ रहे थे और इसी वजह से आज तक उनका इस टीम से गहरा नाता है। हार्दिक ने यह भी इच्छा जता दी कि मुंबई इंडियंस के एक खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करना चाहते है। हार्दिक पांड्या का मुंबई के खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है, खासकर घातक ऑलराउंडर किरण पोलार्ड के साथ मिलकर हार्दिक ने मुंबई को चैंपियन बनाने में काफी मदद की है। अब पोलार्ड को लेकर हार्दिक ने एक बड़ा बयान दिया है। अब हार्दिक ने सामने से पोलार्ड को अपनी कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस में शामिल होने का न्योता दे रहा है। इसके अलावा हार्दिक ने यह भी बताया कि वो पोलार्ड को काफी मिस भी करते हैं। हार्दिक पांड्या का एक वीडियो गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में हार्दिक ने कहा, मैंने पोलार्ड को कुछ ही दिन पहले मैसेज भेजा था। मैंने कहा कि उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैंने बताया कि हम आपको मिस कर रहे हैं। मैंने मजाक में भी ये भी लिख दिया था कि आप अगले साल हमारी टीम में आ सकते हो। ये मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे पता था कि ये कभी नहीं हो सकता। पोलार्ड का हाल आईपीएल 2022 में बेहद खराब रहा है। इस दिग्गज ऑलराउंडर ने सीजन में खेले 10 मुकाबलों में सिर्फ 129 रन ही बना पाए। वही पोलार्ड गेंद से भी सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं। पोलार्ड को मुंबई की टीम ने रिटेन किया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस खिलाड़ी ने मुंबई को 5 बार जिताने में सबसे बड़ा योगदान निभाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू।